कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया को सोशल मीडिया पर धमकी देने के मामले में हड्डा पुलिस ने स्थानीय विधायक के बेटे प्रिंसदीप खटीक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। हालांकि विवाद होने के 9 घंटे बाद प्रिंसदीप ने फेसबुक से अपना पोस्ट डिलीट कर दिया था, लेकिन तब तक मामला तुल पकड़ चुका था। नतीजतन कांग्रेस नेता अनुराग वर्धन सिंह हजारी ने पोस्ट के मोबाइल स्क्रीन शॉट के आधार पर प्रिंसदीप खटीक के खिलाफ सिंधिया को सार्वजनिक रूप से गाली और जान से मारने की धमकी देने का मुकदमा दर्ज करा दिया। हालांकि पुलिस ने अब तक प्रिंसदीप को गिरफ्तार नहीं किया है। आपको बता दें कि 5 सितंबर को सिंधिया हटा के दौरे पर आने वाले हैं और इसी को देखते हुए प्रिंसदीप ने धमकी भरा पोस्ट यहां किया था। विवाद गरमाने के बाद जहां विधायक उमा देवी खट्टीक ने माफी मांगते हुए पोस्ट हटवाया और सिंधिया के स्वागत की बात कही, तो दूसरी ओर नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने इसके लिए बीजेपी को आड़े हाथों लिया। इनके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, मैं अनेक बार कह चुका हूं, मध्य प्रदेश में दो तरह के कानून, भाजपा के हो तो सब कानून से आप ऊपर हो। फेसबुक आईडी से एक मैसेज डाला है सिंधिया जी के खिलाफ कि अगर वो हटा में आएंगे तो लोहारी गांव में या उनको गोली मार दी जाएगी। और जो पोस्ट उसने डाली है भाजपा में बहुत गलत है। ये के आदित्य सिंधिया जी हमारे देश के सांसद हैं, हमारे लिए सम्मानीय हैं और जो लड़के ने पोस्ट डाली है उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। प्रिंसदीप खटीक पिता लालचंद खटीक के विरुद्ध माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया को जान से मारने की धमकी संबंधी फेसबुक स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर डालने के संबंध में रिपोर्ट की गई है। प्रिंसदीप खटीक के विरुद्ध का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।